हेलो गाइस, मैं हूँ यशस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये डिलीशियस मैगी मंचूरियन एंड फ्राइड राइस की रेसिपी। मंचूरियन सबको बहुत पसंद होता है, तो सोचिए अगर इसमें हम सबका फेवरेट मैगी ऐड हो जाए तो ये कितना यमी लगेगा। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्ग्रीडियंट्स हैं जो हमारे पास ज़रूर से अवेलेबल होने चाहिए इसको बनाने के लिए, तो ये है। इसके अलावा और भी इन्ग्रीडियंट्स हैं जो मैं आपको कुक करते टाइम बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले ये है मैगी, हमारा हीरो, ये होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा मैगी मसाला, मैजिक मसाला। उसके अलावा ये शेजवान चटनी और ये चिंग्स का रेड चिली सॉस। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रेड चिली ज़्यादा डाल देना। ये है चिंग्स का फ्राइड राइस मसाला। ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैंने घर पे ही ब्रेड को पीस करके बनाया, ये आराम से बना सकते हो आप। उसके अलावा ये है कॉर्नफ्लोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आरा रोट भी कहते हैं इसे, ये होना चाहिए। उसके अलावा ये है राइस फ्लोर, चावल का आटा, ये भी आप घर पे बना सकते हो आराम से। उसके अलावा ये शिमला मिर्च और प्याज है, ये मैंने दो साइज़ में कट किए हैं, छोटे वाले फ्राइड राइस के लिए और ये दोनों ग्रेवी के लिए। उसके अलावा गार्लिक, ग्रीन चिली और टोमेटो है हमारे पास, और कैबेज है। ये इंग्रेडिएंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा और भी हैं जो मैं कुक करते टाइम आपको बताती जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मंचूरियन बनाना। चलिए सबसे पहले हम मैगी बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने तीन मैगी ली है, इसे हम हाई फ्लेम पे दो मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। जब इसका पूरा पानी अच्छे से सूख जाए और ये ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करेंगे। अब मैं इसमें जो मैगी के साथ टेस्ट मेकर मिलता है मैं वो डाल रही हूँ। मैंने तीन मैगी ली है तो मैं तीनों टेस्ट मेकर इसके इसमें डाल दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, ठीक है, हाफ स्पून। अब आप मैगी के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डालना। मैं इसमें दो बड़े चम्मच, एक्चुअली ढाई, तो मैं इसमें दो बड़े चम्मच ये शेजवान चटनी डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। आप ये डाल देना अपने मैगी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। ये कॉर्नफ्लोर, ये मैं डाल रही हूँ। उसके बाद ये है चावल का आटा, ये भी मैं डाल रही हूँ इसमें। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये नमक, हाफ स्पून नमक डाला है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग डालना। ये है मैगी का यू नो मैजिक मसाला, ये मैं डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मैगी का। मैगी बॉल्स जो बनेंगी वो बहुत टेस्टी बनेंगी। उसके बाद मैं ये कैबेज डाल रही हूँ। आप जितनी मैगी लोगे उसका हाफ आपको कैबेज डालना है, मैं कैबेज ज़रूर डालती हूँ। और मैं इसमें अनियंस भी डाल रही हूँ, बहुत छोटे छोटे और बहुत बारीक कटे हुए डालने हैं, तभी ये मैगी बॉल्स में लिपटेगा अच्छे से। तो ये इतनी सारी चीज़ें डाल के अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ग्लव्स पहन लीजिएगा वरना ये बहुत जलेगा। अब ये पूरी तरीके से मिक्स हो गया है, अब हम इससे मंचूरियन बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे। इसके बाद मैं मैदे के पानी में इसे बॉल्स को डाल करके मैं ब्रेड क्रम से इसे कवर कर लूँगी इस तरीके से। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, नॉर्मल में ही हो जाएगा। एक साइड लगा के पूरी तरफ लपेट दीजिएगा। अब इसे हम गरम गरम तेल में अच्छे से इसे यू नो फ्राई कर लेंगे। तेल एकदम अच्छे से गर्म हो जाए तब इसको डालिएगा, तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। ये इसी तरीके से देखना, जब तक चारों तरफ से ये फ्राई हो जाए अच्छे से, फिर हम इसे बाहर निकालेंगे। पहले हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गरम तेल रहेगा तो ये जल्दी हो जाएगा। तो जब एकदम तेल गर्म हो जाए तभी ये बॉल्स डालिएगा। देखिए जैसे ये चारों तरफ से हो गया है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो अब हम इसे निकाल रहे हैं बॉल्स को। इसी तरीके से मैंने जितने मंचूरियन बॉल्स बनाए थे मैं सारे इसी तरह से निकाल लूँगी। ये देखिए, ये बहुत अच्छा, बहुत क्रिस्पी लग रहा है। आप इसको आराम से ऐसे भी चटनी के साथ खा सकते हो। अब मैंने यहाँ पे राइस बना लिया, जैसे नॉर्मल हम घर पे राइस बनाते हैं वैसे ही मैंने राइस बनाया है यहाँ पे। अब ग्रेवी के लिए सबसे पहले हम तेल में डाल रहे हैं गार्लिक, लहसुन। अब हम इसमें ग्रीन चिली डाल रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जितना तीखा आपको चाहिए आप उतना ग्रीन चिली डालना। तो ये एकदम आप पे डिपेंड करता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, जो बड़े साइज़ के प्याज मैंने काटे थे वो। ये जितनी भी सब्ज़ियाँ हम इसमें डाल रहे हैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में ही पकाना है जल्दी जल्दी। बहुत ज़्यादा प्याज और ये सब पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से आपका पक जाएगा जितनी देर में ये ग्रेवी तैयार होगी। तो इसको बस एक मिनट दो मिनट के लिए, जब जैसे प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो जाए बस हम इसमें ये कैप्सिकम डाल देंगे। इसे भी दो मिनट तक हाई फ्लेम में, दो तीन मिनट तक पकाना है, ये अपने आप यू नो अच्छे से पक जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे इसी टाइम पे
हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डालना जितना आपको दिखा चाहिए। फिर हम इसे चला लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें अजीनो मोटो डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये है तो आप ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आप अवॉइड कर सकते हो, बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैबेज। कैबेज को भी हम अच्छे से इसमें चला लेंगे ताकि पक जाए एक मिनट तक अच्छे से। अब इसके बाद मैं इसमें बीच में डालूंगी थोड़ा सा टमाटर, उसे भी मैं पकने दूंगी थोड़ी देर। ये मैंने यहाँ पे टोमेटो डाल लिया है। टोमेटो डालेंगे आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, फिर उसे टेस्ट अच्छा आता है। अब मैं इसमें बीच में नमक डाल रही हूँ। मैंने अपने अकॉर्डिंग हाफ़ स्पून नमक डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैजिक मसाला। अब हम इसे चला लेंगे अच्छे से जब हमारा टमाटर हल्का पक जाए, गल जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिंग्स का रेड चिली सॉस। अब हम इसे चला लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें सोया सॉस, उसमें डाल रही हूँ विनेगर। अब मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच टोमेटो केचप, इससे आपका जो तीखापन है वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच। ये सब आप ज़रूर डालें, इसी से ग्रेवी बनेगी आपकी अच्छी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच चिंग्स शेज़वान चटनी, ये मैंने डाल दिया है। अब हम इसे चला लेंगे अच्छे से 1 मिनट तक। इसे अच्छे से 1.5 मिनट तक पकाएंगे, सारे सॉस अच्छे से पक जाए। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अब आप पानी भी अपने क्वांटिटी के हिसाब से और जितना ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से डालिएगा। जब ये टोटली ऑप्शनल है, आप अगर गाढ़ा वाला मंचूरियन बना चाहते हैं तो आप पानी थोड़ा कम ही डालें, अदरवाइज़ आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इस तरीके से डाल के ढक दीजिए। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए, देखिए जैसे कि अभी ये थोड़ा पानी पानी है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर को घोल करके डाल रही हूँ, इससे इसका ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाएगा। तो जैसे ही ये थिक हो जाए, अब मैं इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल दूंगी। अब इसमें जैसे बॉईल हो रहा है तो हम इसमें मंचूरियन बॉल्स डालेंगे। ये सारी मंचूरियन बॉल्स मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे डालने के बाद हम इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और इसे 2 मिनट तक अच्छे से इसमें ढक जाए और सारा ग्रेवी मंचूरियन बॉल्स में कवर हो जाए। उसके बाद बस हम इसे ढक कर रख देंगे, ये बन गया और ये बहुत टेस्टी लगेगा। अब हम जल्दी से फ्राइड राइस बना लेते हैं। इसके लिए हमने पहले तेल में ग्रीन चिली डाला है, उसके बाद हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। इसको भी हमें हाई फ्लेम पे जल्दी जल्दी पकाना है, सारी सब्ज़ियाँ एकदम से नहीं कुक करनी है। हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक जल्दी से कुक करें, जैसे ही ट्रांसल्यूसेंट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम। ये भी देखिए छोटे छोटे साइजेस वाले मैंने डाले हैं, क्योंकि फ्राइड राइस में छोटे छोटे साइज़ के अच्छे लगेंगे, तो हम इसको भी जल्दी जल्दी पका लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैबेज। कैबेज भी हम जल्दी से इसको पका लेंगे साथ में। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक कम ही डालिएगा फ्राइड राइस में, क्योंकि मंचूरियन में भी नमक होता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये शेज़वान फ्राइड राइस मसाला। थोड़ा सा मैंने पहले डाल दिया ताकि सब्जियों में भी इसका फ्लेवर आ जाए। अब मैं इसमें जो राइस मैंने बनाई हुई थी वो डालूँगी, सारी राइस। ये देखिए सारी राइस डाल के अब हम इसमें जितनी सब्जियाँ हैं वो डाल सकते हैं। अब आप और भी सब्जियाँ फ्राइड राइस में डाल सकते हो जो आपको पसंद हो, बीन्स है, स्प्रिंग अनियंस है, जो भी आप चाहो वो आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने नॉर्मल सब्जियाँ ली हैं, आप और भी डाल सकते हो, कैरेट वगैरह भी। अब मैं इसमें 1 चम्मच और ये शेज़वान फ्राइड राइस मसाला डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से चला देंगे मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही ये सारा मसाला कवर कर लेगा, बस ये बन गया, हमारा मंचूरियन भी रेडी है और हमारा फ्राइड राइस भी रेडी है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, ये पूरी ग्रेवी ने मंचूरियन बॉल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। बहुत ही ज़्यादा यमी है, बहुत टेस्टी है, आप इसे ज़रूर बना के खाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट लुक एट दिस यमी डिश, आपको एक बार ही ज़रूर इसे घर पे बना के ट्राई करना चाहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये बहुत सॉफ्ट एंड बहुत यमी है खाने में। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।